नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको टो एंगल के बारे में बताया था, और उसी तरह से आज का जो विषय है वो है कैम्बर एंगल के बारे में, यानी कैम्बर एंगल क्या है, इसको क्यों दिया जाता है, इसको कैसे सेट करें, इसके बारे में ही आज डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैम्बर एंगल के बारे में। कैम्बर एंगल क्या है? तो किसी गाड़ी के टायर को सामने से देखने पर टायर का जो ऊपर वाला हिस्सा, ये हमारे दो टायर हैं, इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला, वो अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, ये होता है कैम्बर एंगल। अगर ये चीज़ बराबर है, यानी हमें सीधी दिखाई दे रही है सामने से देखने पर, तो ये हो गया 0 कैम्बर। और वहीं अगर टायर हमारा ऊपर से अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं तो ये हो गया नेगेटिव कैम्बर, यानी माइनस में कैम्बर। और वहीं दोनों टायर अगर आपके बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं ऊपर से, तो ये हो गया पॉजिटिव कैम्बर, यानी प्लस में कैम्बर। हम कंप्यूटर स्क्रीन में जब इसको देखेंगे तो ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है, तो ये कैस्टर की रीडिंग होगी और ये कैम्बर की होगी, ये टो की होगी। तो कैम्बर एंगल जो यहाँ दिखाई देगा वो अगर माइनस में है तो -1 डिग्री हो गया, उसके बाद मिनट हो गया, या आपका माइनस में 30 मिनट हो गया, ये ऐसे करके आपको शो होगा। अब ये जो कैमर एंगल है वो हर गाड़ियों में गाड़ी की सस्पेंशन के हिसाब से, गाड़ी की परफॉर्मेंस के हिसाब से, गाड़ी को किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है उस हिसाब से कैमर एंगल को या तो हल्का सा प्लस में दिया जाता है या माइनस में दिया जाता है। तो किसी किसी गाड़ी में 0 एंगल भी दिया जाता है। अब ये उस हिसाब से अगर ज़्यादा आउट होता है, यानी हमारा जो व्हील है वो ज़्यादा बाहर हो गया है या ज़्यादा अंदर हो गया है, जो कैम्बर माइनस में ज़्यादा हो गया है या प्लस में ज़्यादा हो गया है, तो फिर उसको एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और ये काम होता है व्हील अलाइनमेंट। तो कुछ गाड़ियों में इस कैम्बर एंगल की एडजस्टमेंट नहीं होती है, यानी इसको फिक्स दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, और कुछ गाड़ियों में इसकी एडजस्टमेंट को दिया जाता है जिससे ख़राब होने पर वो एडजस्ट किया जा सकता है। अब माइनस में क्यों दिया जाता है और प्लस में क्यों दिया जाता है, यानी कैम्बर एंगल को नेगेटिव क्यों दिया जाता है और पॉजिटिव क्यों दिया जाता है? तो जब किसी गाड़ी में हम कैम्बर एंगल को माइनस में देते हैं, यानी नेगेटिव में देते हैं, तो उसका रीज़न होता है कि जब हम गाड़ी को कॉर्नरी टर्न करते हैं तो हमारे व्हील्स जब कॉर्नरी टर्न लेते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी, गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहे, यानी गाड़ी पलटने का खतरा ना हो, या गाड़ी की जो हैंडलिंग परफॉर्मेंस है वो ख़राब ना हो, उसके लिए हल्का सा कैम्बर को नेगेटिव दिया जाता है। वहीं किसी गाड़ी में इस एंगल को पॉजिटिव भी दिया जाता है, यानी टायर को हल्का सा बाहर की तरफ दिया जाता है, प्लस में दिया जाता है। जैसे हमारी SUV टाइप की गाड़ी है, या ऑफ रोडिंग जो गाड़ी चलती है जिनका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है होता है, जो व्हीकल है उस लोडिंग पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो उसको जो कैम्बर है वो थोड़ा सा प्लस में दिया जाता है, जिससे गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है लोड के दौरान, गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहे, वो ख़राब ना हो। तो इसके लिए इसको कैम्बर एंगल को प्लस में या माइनस में या 0 एंगल में दिया जाता है। अब बात करें इसके एडजस्टमेंट की, तो अगर एडजस्टमेंट होती है तो हमारे दो पार्ट्स होते हैं जिससे इसकी एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। जैसे ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा व्हील है, टायर है, और ये हमारे शॉक एब्जॉर्बर हैं, ये स्टीयरिंग रैक असेंबली है, टायरोड एंड बॉल जॉइंट स्टीयरिंग असेंबली, और ये अपना स्टीयरिंग व्हील। वहीं ये नीचे आपका लोअर आर्म है, ये लोअर आर्म लेफ्ट का, ये लोअर आर्म राइट का। अब जब हम इसको सामने से देखते हैं तो ये हमारे व्हील सीधे होने चाहिए, और अगर हमारी गाड़ी के डाटा के हिसाब से थोड़ा सा माइनस या प्लस में है तो
तो अगर ये ज्यादा आउट हो जाए तब कैसे एडजस्टमेंट करते हैं? और ज्यादा आउट का मतलब ये है कि ये मान लीजिए प्लस में हो गया, या ये माइनस में हो गया, या ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, ऐसा इसलिए हो जाता है। या गाड़ी जैसे कभी ऑफ रोडिंग चली, या गाड़ी कहीं टकरा गई, कहीं डिवाइडर से हिट हो गई, या आपने कोई सस्पेंशन का काम किया, उससे इसका जो एंगल है वो बिगड़ गया, तो इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दो जो सस्पेंशन के पार्ट्स हैं उनसे इनकी एडजस्टमेंट होती है। सबसे पहला पार्ट है ये शॉक एब्जॉर्बर, और दूसरा होता है लोअर आर्म, यानी जो टायर का जो एंगल है वो वर्टिकल बनाता है, ये वाला पार्ट लोअर आर्म और शॉक एब्जॉर्बर, यानी ये ऊपर फिक्स होता है व्हील के और ये नीचे की साइड फिक्स होता है। साइड में आपका ये स्टीयरिंग रैक असेंबली फिट होती है जिससे हम व्हील को टर्न करते हैं। अब इसकी एडजस्टमेंट किस तरह से होती है इसकी, कि जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर से इसकी एडजस्टमेंट है, तो यहाँ ये जो दो नट होते हैं जो हमारे नकल में फिट होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर फिट होता है, तो पहली एडजस्टमेंट तो इससे होती है, ये दो नट लूज करने पड़ते हैं, और यहाँ से इसकी इसकी एडजस्टमेंट होती है ऊपर वाले नट से। ऊपर वाले नट से हम इसको लेफ्ट राइट टर्न करके देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट बाहर जा रही है या हमारा व्हील अंदर जा रहा है। दूसरी जो एडजस्टमेंट होती है वो जो ज़्यादातर SUV वगैरह में मिलती है, आपकी इनोवा, इनोवा क्रिस्टा, फॉर्चूनर, महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये वाली जो इस एडजस्टमेंट है वो छोटी गाड़ियों में मिलती है। टाटा की गाड़ियों में ज़्यादातर ये एडजस्टमेंट मिलती है। वहीं SUV गाड़ियों में टोयोटा और महिंद्रा की जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो एडजस्टमेंट है वो लोअर आर्म से होती है। ये लोअर आर्म है, ये आपका व्हील में लगा हुआ है, ये लोअर आर्म एंड के द्वारा, और ये लोअर आर्म बुश होते हैं, यानी ये जो सामने वाला जो बुश है ये होता है कैम्बर एडजस्टमेंट के लिए, और ये जो होता है पीछे वाला जो बुश ये होता है कैस्टर की एडजस्टमेंट के लिए। इसकी एडजस्टमेंट हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। यहाँ से कैसे एडजस्टमेंट होती है कि जब हम इसका जो नट है यहाँ पर इसको लूज करते हैं और बुश को आगे पीछे करते हैं, तो ये जो पार्ट्स है हमारा लोअर आर्म ये आगे पीछे होता है, यानी इधर मूव करेगा और या इधर मूव करेगा। जब ये इधर मूव करता है तो हमारा नीचे से व्हील बाहर की तरफ मूव करता है, वहीं जब बाहर से मूव करेगा तो ऊपर से भी अंदर आ जाएगा, और वहीं जब एडजस्टमेंट हम इसको करेंगे और इसको खींचेंगे इधर की तरफ ये व्हील आएगा तो ऊपर से ये व्हील बाहर चला जाएगा, यानी प्लस में इसकी एडजस्टमेंट बन जाएगी। तो इस तरह से ये दो पार्ट्स हैं जिनके द्वारा कैम्बर की एडजस्टमेंट होती है। वैसे कैम्बर की एडजस्टमेंट और कैम्बर के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं चैनल पर, उससे भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी और इसके द्वारा भी आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। तो इसके अलावा और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है कैम्बर से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं और कोई सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अगर ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।